हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। माय नेम इज़ राहुल एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सबट्रैक्शन फ्रैक्शन फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि सबट्रैक्शन का फ्रैक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो ए डिवाइड बाई बी माइनस सी डिवाइड बाई डी। ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी इज डिवाइडेड टू बी इंटू डी। ओके, तो काफ़ी सिंपल था। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं एंड इसके अंदर पुटअप करके हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे आता है। तो हम लेते हैं 2, 3 एंड 3, 7। मैंने ये वैल्यूज़ लिया। ओके, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्मूला में पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 7 2 ज़ा 14 माइनस 3 3 ज़ा 9 इज़ डिवाइडेड टू 7 3 ज़ा 21। ओके, यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 14/9 को डिवाइड टू 5/21। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट आउटपुट, 5/21 ये हो गया मेरा आउटपुट। ओके, बट अगर हम कोड में कोड के साइड से देखा जाए तो कोड हमें 5/21 नहीं देगा। आप लोगों के मालूम, अगर मैं डिवाइड ऑपरेटर लगाया तो कोड हमें सीधा वैल्यूज दे देगा। अगर मैं 5 को 21 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिजल्ट मिला, यहाँ पे मेरा 0.23 समथिंग कुछ रिजल्ट मिला। ओके, तो कोड हमें इस टाइप का कुछ आउटपुट देगा। ओके, बट हम डॉट फॉर्मेट से, प्रिंट फॉर्मेट से हम इसको भी अचीव करेंगे, इसको भी हम प्रिंट करेंगे एंड इसको भी प्रिंट करेंगे। ओके, अभी हम करेंगे कैसा उसको हम देखते हैं अपने लॉजिक वाले पार्ट में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोड का हमारा आउटपुट, इनपुट एंड लॉजिक क्या है। तो अगर मैं आउटपुट की तरफ जाऊँ तो अगर मैं सेम यही लूँ नंबर्स जस्ट लाइक 2, 3, 3, 7, तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा पहला 5/21 एंड मुझे सेकेंड आउटपुट मिलेगा 0.32। ओके, तो ये मुझे दो आउटपुट अचीव करना है अपने कोड में। ओके, एंड सेकंड आते हैं हम इनपुट पार्ट की तरफ। तो इनपुट में मुझे चार इनपुट लेना है, जो मेरा ए बी सी और डी। ओके, चारों को मैं इंट में ही इनपुट लूँगा, तो मैं लिखता हूँ इंट इनपुट फंक्शन। ओके, एंड थर्ड आते हैं भी हम अपना मेन पार्ट की तरफ, जो हो गया हमारा लॉजिक पार्ट। ओके, तो लॉजिक में हम क्या करते हैं कि जो ये जो अपर वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल में, एक इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। जस्ट लाइक इसको हम स्टोर कर देते हैं रिजल्ट वन में, और ये जो नीचे वाला है हम इसको स्टोर कर देते हैं रिजल्ट टू में। तो हमें प्रिंट करने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर तो हम बनाते हैं एक वेरिएबल जो हमारा होगा रिजल्ट वन, उसमें हम स्टोर करेंगे ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। ओके, एंड सेकेंड हम वेरिएबल बना रहे हैं दैट इज़ रिजल्ट टू, और उसमें हम केवल स्टोर कर रहे हैं बी इंटू डी को। ओके, एंड अभी हम प्रिंट फंक्शन लगाते हैं, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट इज इक्वल टू, अरे सॉरी, प्रिंट फंक्शन, और मैं इसे लिखूँगा द रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शन फॉर्मूला। आप कुछ भी ले सकते हो, मैं अभी खाली लिखना होगा द रिजल्ट इज इक्वल टू, और पहला हम लिख देंगे कि रिजल्ट वन इज डिवाइडेड टू रिजल्ट टू। तो ये हो गया हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट। तो अभी हम लिखते हैं सेकेंड प्रिंट। तो केवल सिंपल हमें प्रिंट लिखना है एंड मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ उसके अंदर, द रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स मैं डॉट फॉर्मेट यूज़ करूँगा यहाँ पे, इसलिए मैं दो ब्रैकेट यहाँ पे लगाया एंड यहाँ पे क्लोज करता हूँ इसको, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर मैंने मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल पास करना है। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा रिजल्ट वन कॉमा रिजल्ट टू। ओके, तो ये हमें आउटपुट कुछ इस ये सेकेंड वाला आउटपुट दे देगा, मीन्स कुछ इस हिसाब से मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट एंड लॉजिक पार्ट को लिख लिया है। ओके, अब इसको कन्वर्ट करते हैं अपने कोड में, लिखते हैं कोड को। ओके, तो जाता हूँ अपने वीएस कोड में और स्टार्ट करता हूँ लिखने कोड को। कंट्रोल से मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ एंड इसको मैं सेव करता हूँ। मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ फ्रैक्शनल एडिशन, नहीं मेरा सबट्रैक्शन है, लिखता हूँ फ्रैक्शनल सबट्रैक्शन डॉट पी वाई। ओके, सबसे पहले मुझे चार यूजर से इनपुट लेना है, तो मुझे लेना है ए इज इक्वल टू इंट और इनपुट फंक्शन।
ओके सबसे पहले मुझे चार इनपुट लेना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड फोर टाइम पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करता हूँ, ए से बी सी डी। ओके तो मैंने यहाँ पे चार वेरिएबल्स ले लिए। ओके एंड उसके बाद अभी मुझे क्या करना है कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है रिजल्ट वन, एंड उसमें मुझे क्या करना है कि मीन्स मुझे क्या करना है कि जो ऊपर का वैल्यू है ए और डी सी बी मुझे वो स्टोर करना है, एंड रिजल्ट जो मैं सेकंड बनाऊंगा रिजल्ट टू में उसमें मैं क्या करूँगा बी बी इंटू डी को सेव करूँगा। ओके तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। ओके मैं करता हूँ ए इंटू डी, काम करता हूँ मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी, और मैं सेकेंड बनाता हूँ एक रिजल्ट टू करके, एंड उसमें स्टोर करूँगा मैं बी इंटू डी को। ओके यहाँ पर मैं कहता हूँ बी इंटू डी, अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सिंपल प्रिंट द रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा जो मेरा पहला रिजल्ट होगा मैं क्या करूँगा उसमें सिंपल रिजल्ट वन को, रिजल्ट वन इज डिवाइडेड बाय रिजल्ट टू कर दूँगा। ओके तो ये हो जाएगा मेरा पहला जो जो कि ये मुझे डेसिमल में वैल्यूज देगा, एंड मुझे अभी सेकेंड चाहिए तो मैं इसके लिखूंगा द रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ब्रैकेट इज डिवाइड बाय ब्रैकेट डॉट डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट वन कॉमा रिजल्ट टू। ओके तो ये हो गया हमारा कोड लिख के पूरा, एंड अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो ओपन करता हूँ मैं अपने टर्मिनल को, सिंपल मैं लिखता हूँ पाइथन फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन डॉट पी वाई, एंड यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, मुझे यहाँ पे चार वैल्यूज डालना है जो कि मैं डालता हूँ सेम, मैंने क्या लिया था 2337 लिया था, तो मैं वही वैल्यूज फिर से डालता हूँ 2337। ओके तो आप देखते मुझे रिजल्ट मिल गया 660 जो कि मेरा वैल्यू रिजल्ट रॉन्ग है, तो आप देखते यहाँ पे मेरा मुझे माइनस लिखना था, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया था। ओके ये फॉर्मूला में ओके तो अगर मैं इसको फिर से सेव करता हूँ एंड अगेन फिर से रन करता हूँ, अब मैं वही लेता हूँ 2337। ओके तो अब देखते कि हमें रिजल्ट प्रॉपर मिला कि नहीं, जो हमारा पहला था 0.23 ये हमारा प्रॉपर है, एंड सेकेंड हमारा 5/21। ओके तो ये हो गया हमारा आउटपुट हमारा परफेक्ट है। ओके तो आप मल्टीपल इनपुट लेके आप चेक कर सकते हो कि हमारा और जो कोड है वो राइट है कि नहीं राइट है। ओके सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये कोड चाहिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका भी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो, अगर आपको कोड में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल आईडी पर पूछ सकते हो, अगर आपके पास कोई 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 क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल आईडी पर पूछ सकते हो, उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय।